आई थिंक स्क्रीन सबको दिख रहा होगा। ठीक है, वो बताइए लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, क्या हमने कवर किया था कल सीरीज में? समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी। हाँ तो पिछले क्लास में हमने देखा कि सीरीज का समेशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, चाहे वो एन टर्म्स हो या फिर इनफाइनाइट टर्म्स हो। इनफाइनाइट टर्म्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला था ए बाई वन माइनस ओके। तो अब देखते हैं कुछ समेशन हम लोग देखते हैं। एक इसमें ना स्पेशल टाइप का समेशन होता है, जैसे मान लिया सम ऑफ इन टर्म्स, ये फाइंड करना हो। पहला जैसे 5 + 5 + 5 + 5 ऐसे कर करके, और लास्ट टर्म में n5 हो गया ऐसे, ठीक है। तो इसका समेशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए भी एक प्रोसीजर है, वो फिक्स्ड है, उसको बस अच्छे से याद रखना है। जैसे सॉल्यूशन को करेंगे कैसे, 5 हम लोग कॉमन ले लेंगे और 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चीज करेंगे। तो क्या होगा, जैसे 5 कॉमन ले लिया, 1 बचा, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 बचा, ये 99, ये 999, ऐसे कर करके एन टाइम्स 9, इसका हो जाएगा 5/9 इंटू, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 - 1, 10² - 1, 10³ - 1, ऐसे ही करके एन टर्म्स तक जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे 5/9, एक तो जीपी बन रहा है ये वाला देखेंगे, 10 - 10² - 10³, ये जीपी बन गया। तो समेशन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ए होता है, ए 10 है, आठ आठ टू द पावर एन, यानी 10^n-1 डिवाइडेड बाई r-1, दैट इज 9, माइनस 1 है, एन टाइम्स है, तो एन हो जाएगा सीधा। तो फाइनली आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर इस टाइप का समीशन आता है तो भी सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है, इफ ईच टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज ट्वाइस द सम ऑफ, ट्वाइस द सम ऑफ टर्म्स फॉलोइंग इट। ठीक देन फाइंड कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो ऑफ द ग्रुप क्या क्वेश्चन?
इफ इच टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज ट्वाइस ट्वाइस द सम ऑफ फॉलोइंग टर्म्स। ओके देन फाइंड द कॉमन रेशियो। ओके ये क्वेश्चन लिख लिए होगे, ट्राई करिए सब लोग। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। ये हो गया क्या, आर इक्वल टू 1/3। सही है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड, कैसे बनाया हमने? सम ऑफ आई मीन द फर्स्ट टर्म शुड बी 2 इनटू ए बाय 1 माइनस आर माइनस ए दैट शुड बी इक्वल टू ए अगेन सो आई सी इक्वल टू या ओके दैट्स राइट। और किसी का आंसर आया क्या? देखिए मैं बनाता हूँ इसको ना, मैं। ओके बोलिए। हाँ सर, 1/3 ही आंसर है। हाँ सही सही। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इफ इच टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज ट्वाइस द सम ऑफ द टर्म्स फॉलोइंग इट। से मान लिया अगर हमने कोई भी रैंडम ए एन टर्म ले लिया, तो ये ट्वाइस ऑफ सम ऑफ फॉलोइंग टर्म्स, ऐसा आगे वाला टर्म an+1, an+2, an+3 और इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट जीपी है। ठीक है, तो ए एन टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर ए हमने ए फर्स्ट टर्म ए मान लिया, कॉमन रेशियो और n-1 ही हो जाएगा, इंटू 2 टाइम ये हो जाएगा ए इंटू आर टू द पावर एन, ए इंटू आर टू द पावर एन प्लस वन, ए इंटू आर टू द पावर एन प्लस टू, ऐसे करके इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए आर n-1 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बाहर आ जाएगा, और समेशन इसको देखें, ए क्या होता है इनफाइनाइट जीपी है, तो ये मान के एज्यूम करके ही चल रहे कि आर जो होगा ना वो इन बिटवीन -1 to 1 ही आएगा। तो आर ही फर्स्ट टर्म हो जाएगा आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला यूज कर लिया, ए बाई 1 माइनस आर होता है, ए कैंसिल हो गया, फिर ये हो जाएगा ये और ये आर टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 इक्वल टू बच जाएगा 2 आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा। नेक्स्ट ये देख लीजिए, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी इज 20। ठीक है, तो अगर मान लिया फर्स्ट टर्म सॉल्व करिए आप लोग खुद भी, मैं भी सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट टर्म मान लिया ए है,
एंड कॉमन रेशियो आ रहे, तो ये हो जाएगा ए बाई वन माइनस ऑफ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जी पी इज 20 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी अगर सारे को स्क्वायर बना दिए, जैसे इनिशियली ये था ट्वेंटी, अब स्क्वायर कर दिया ये हो गया 100, इसका समेशन आ जाएगा ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर एस इज इक्वल टू 100 इक्वेशन 2। एक काम करते हैं 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर ऊपर चला जाएगा और ए नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू 5। ठीक है, ए और ए, या फिर बेटर होता हम लोग स्क्वायर से डिवाइड कर देते, डायरेक्ट आ जाता। ठीक है, ऐसा करते हैं 1 का स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, 1 का स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा और ये 100/400 हो जाएगा। ये चीज़ ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम्स एक यहाँ से कैंसिल हो के बच जाएगा 1 माइनस आर, 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1/4, 4 माइनस 4 आर इज इक्वल टू 1 प्लस आर, आर की वैल्यू 3/5। तो वो जीपी का जो कॉमन रेशियो होगा वो 3/5 होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हमने ईपी में देखा था प्रॉपर्टीज, वैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसको देख लेते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, ये टॉपिक इसको कैसे करना है, इसको पहला लिख दिया इफ ए बी सी आर इन जी पी देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये होता है। सेकेंड इफ ए वन ए टू ए थ्री एन जीपी में है, बी वन बी टू बी एन ये भी जीपी में है। ओके हाँ मैम पूछिए। क्या किसी को डाउट है क्या इसमें? ये जीपी में तो प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर हम कोई सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं सारे में, किसी भी जीपी के सारे टर्म में अगर हमने सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया, ये स्पिल जीपी में रहेगा
एंड इसका जो कॉमन रेशियो होगा, जैसे इसका कॉमन रेशियो मान लिया आर है, तो इसका कॉमन रेशियो स्टिल आर होगा, ठीक है, ये होगा। वैसे ही डिवाइड करेंगे तो भी, फिर अगर मान लीजिए हमने इसका कॉमन रेशियो आर वन ले लिया, आर वन, इसका कॉमन रेशियो आर टू ले लिया, तो मान लिया अगर हमने ए वन ई टू कर, ए वन बी वन कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया दो जीपी का, ए टू बी टू, ए थ्री बी थ्री, तो ये भी जीपी में रहेगा, लेकिन अब जो कॉमन रेशियो होगा वो बदल जाएगा, और कॉमन रेशियो बन जाएगा आर वन आर टू। वैसे हम समझ सकते हैं कि अगर हमने करस्पॉन्डिंग टर्म को अगर हमने डिवाइड कर दिया तो भी जीपी में होगा, और जो कॉमन रेशियो होगा आर वन अपॉन आर टू, ये चीज। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी हुआ, ठीक है। थर्ड, सिलेक्शन ऑफ टर्म, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में क्या है कि पहला अगर हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स सिलेक्ट करने, इवन जैसे एन इक्वल टू थ्री, जैसे हम लोग एपी में देखे थे ना, बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है, बस फॉर्म अलग अलग है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट वही हैं। जैसे एपी में हमने पढ़ा था कि तीन टर्म सेलेक्ट होने के लिए हम लोग इस चीज का ध्यान रखते थे कि उनका ऐड करें तो डी कैंसिल हो जाए, और जीपी में ऐसा होगा कि तीन टर्म को हम इस तरीके से लिखे कि उसका प्रोडक्ट करें तो आर कैंसिल हो जाए, पांच टर्म के लिए ऐसा हो जाएगा। फोर, ये इसका कॉमन रेशियो, इसका कॉमन रेशियो आर है, और इसका कॉमन रेशियो आर स्क्वायर, ये चीज। तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में ये होता है, ऑड नंबर और इवन नंबर को इस तरीके से हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जीएम, ज्योमेट्रिक नेम। तो जीएम कैसे लिखते हैं, या फिर उससे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ज्योमेट्री में अलग पढ़ लें।
ये क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करिए, सब लोग इसको सॉल्व करिए। हो गया क्या? आंसर बताइएगा आ जाएगा तो। मान लिया नंबर जो तीनों है वो ऐसा है, ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट मतलब ए क्यूब इज इक्वल टू 216, ए की वैल्यू 6 आ गई, एंड सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर, पेयर में प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक ए स्क्वायर बाई आर हो गया, ए स्क्वायर आर हो गया, एंड ए स्क्वायर ये 156 है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, दैट इज 36, 1/r प्लस आर स्क्वायर, सॉरी 1 दिया गया, 156, ठीक है, ये चीज आ गया। आगे यानी आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1/r इज इक्वल टू 13/3, ये हो जाएगा 3r² 3r प्लस 13 माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी 3r² माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इक्वल टू 0, 3r कॉमन ले लिया तो r माइनस 3 प्लस माइनस 1 r माइनस 3 इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू आ गई 3 या 1/3, ये दो वैल्यू आ गई, ठीक है। आर हमें क्या चाहिए था, नंबर्स चाहिए था, तो नंबर्स क्या हो सर, ये जाएगा, सेकेंड लाइन समझ में नहीं आ रहा, ये एंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट इन पेयर, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये बोल रहा है ना, सम हमें चाहिए, लेकिन कैसा सम चाहिए, डियर प्रोडक्ट इन पेयर, मतलब पेयर वाइज हमें प्रोडक्ट जितने बनेंगे, जैसे एक पेयर वाइज ये प्रोडक्ट बना इन दोनों का, एक पेयर वाइज ये बनेगा, एक पेयर अच्छा, वाइज ये बनेगा, और फिर उनका समेशन, ये बोला था। ओके एंड देन आर की वैल्यू आ गया, ए की वैल्यू ऑलरेडी 6 है, तो नंबर क्या जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो गया, एंड ये हो जाएगा 18, ये नंबर है, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, अगला हमारा जो है वो है
ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक मीन फिर से अगर इसको डिफाइन करें, जैसे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए कॉमा बी, दो नंबर है ठीक है, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, ए बी की पावर 1/2 ठीक है। हम लोग पॉजिटिव नंबर के लिए ज्योमेट्रिक मीन पढ़ रहे हैं। वैसे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी सी, तो वैसे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ABC मान लिया 3 नंबर है, ये 1/n आ जाएगा ठीक है। ये चीज हो गया। नेक्स्ट है हमारा, इसमें एक प्रॉपर्टी जो हमने एपी में भी पढ़ा था, इस टाइप का प्रॉपर्टी कि फर्स्ट एंड लास्ट के करस्पॉन्डिंग अगर हम मीन निकालेंगे तो वो सारे के सारे बराबर होंगे, मतलब A1 An का मीन इक्वल होगा A2 An-1 का मीन, या इक्वल होगा A3 An-2 का मीन, या इक्वल होगा अगर कहीं 4 आ गए A1 A2 An An-1 4 ही होगा, 4 नंबर है। वैसे अगर 6 नंबर भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, A1 A2 A3 An An-1 An-2 की पावर 1/6, या ये सब इक्वल हो जाएं किसके, पूरे का भी मीन निकाल लेंगे A2 A3 A, तो ये एक प्रॉपर्टी होता है ज्योमेट्रिक मीन का ठीक है। क्लियर हो गई है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, इफ जी बी द जियोमेट्रिक मीन मीन ऑफ एक्स एंड वाई, देन प्रूव दैट वन बाई जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/g². इसको प्रूफ करिए तो जल्दी से। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आराम से हम लोग बना सकते हैं। जी स्क्वायर लिख देंगे, ज्योमेट्रिक मीन है एक्स वाई हो जाएगा, वैल्यू रख देंगे ठीक है, 1/xy-x² प्लस 1/xy-y², तो यहाँ पे हो जाएगा y-1/x कॉमन ले लिया तो y-x बचेगा, प्लस y कॉमन ले लिया तो x-y बचेगा, तो 1/y-x कॉमन ले लेंगे 1/x-1/y बचेगा,
ये फाइनली बचेगा वाई माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स इंटू एक्स वाई कैंसिल, 1 बाई xy दैट इज 1/b² ठीक है। नेक्स्ट फिर से जो हमने एपी में पढ़ा था इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन, यहाँ पे इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन पढ़ें। बिटवीन ए एंड बी ठीक है, इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। तो लाइन पहला G1 आर कॉल्ड इन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी इफ ए कॉमा G1 कॉमा G2 कॉमा G3 अप टू GN कॉमा बी आर इन जी पी। ये चीज है मतलब वो दोनों नंबर और ये सारा ज्योमेट्रिक मीन्स मिला के अगर जीपी बना लिया तो ये सबको ज्योमेट्रिक मीन्स बोलेंगे। फिर से सेम कॉन्सेप्ट, ये फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन फर्स्ट जीएम सेकेंड जीएम एंड This one is NFP और ये फर्स्ट टर्म ऑफ GP। ये सेकेंड टर्म ऑफ GP क्या ऐसे करके, ये कौन सा टर्म है N+2x सर N+ फर्स्ट टर्म नहीं होगा ये बी नहीं, कैसे होगा बी कैसे होगा, एन तो टोटल जी, ये ज्योमेट्रिक मीन्स ही टोटल एन है ना, और एक इधर से स्टार्ट हो रहा है ये। ओके अच्छा ओके ओके हाँ ठीक है अब देखिए सबको फाइंड कैसे करना है, हमने आर फाइंड कर लिए। जीवन क्या होगा, जीवन है हमारा ए आर वैसे अगर कोई बोलता G13 बताओ तो G13 ए इंटू R13 है नॉट 12। ध्यान रखना है ये 13th GM है बट 14th टर्म ऑफ GP है। वैसे GM वाला जल्दी से लिखिए इसको।
नेक्स्ट करते हैं लोग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन पहला सॉल्व करेगी लेकिन हमें सॉरी जीएम निकलना है, 4 जीएम निकलना है। आर की वैल्यू 3 आ गई, बहुत आसानी से सारे टर्म सारे जीएम आ गए हैं। G1 6, G2 18, G3 54, G5 ये आ गए। इस तरीके से हमने सारा ज्योमेट्रिक में कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग करते हैं अगला वाला क्वेश्चन, करिए जल्दी से। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग एक कर चुके हैं तो हो जाना चाहिए सबसे। आया किसी का आंसर? सॉल्व तो पता ही है सबको क्या करना है इसमें। यही सॉल्व करना है।
उसी का आंसर आ जाए तो बता दीजिए मेरे बनाने से पहले। हाँ ये नॉट इक्वल टू बी है तो ए टू द पावर एन प्लस वन बाई हाफ इज इक्वल टू बी टू द पावर एन प्लस वन बाई हाफ। आ गया अब क्वेश्चन था ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन की तरफ। सर इसमें एन माइनस हाफ भी तो हो सकता है, क्या एन माइनस हाफ भी हो सकता है या सिर्फ प्लस हाफ ही होगा? तो माइनस हाफ ही है ना आंसर? ओके ठीक हाँ है हाँ माइनस आती है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन दैट इज एच पी। ओके तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है? इफ सीक्वेंस ए वन ए टू ए थ्री अप टू एन आर सेट टू बी इन एच पी इफ वन बाई ए वन वन बाई ए टू वन बाई ए थ्री वन बाई एन एपी। मतलब अगर एपी के रेसिप्रोकल टर्म को एपी के टर्म को अगर रेसिप्रोकल ले ले सारे इंडिविजुअल टर्म को तो वो एचपी में आ जाएंगे। यही होता है। तो इसमें देख लेते हैं जैसे ए पी एक टर्म ले लिया कंसीडर कर लेते हैं ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस एन माइनस वन ए पी में ये एच पी में क्या होगा वन बाई ए वन बाई
एचपी का टी एन टर्म क्या होगा, 1 बाई ए प्लस एन माइनस। ए क्या है ध्यान रखना है, ए फर्स्ट टर्म नहीं है, ए फर्स्ट टर्म उसके करस्पॉन्डिंग एपी का है और डी उसके करस्पॉन्डिंग एपी का कॉमन डिफरेंस है। तो ये कंफ्यूजन नहीं करना है कि ए उसका फर्स्ट टर्म हो गया, ए फर्स्ट टर्म नहीं है, 1 बाई ए फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ये चीज आ गया। और इसमें कुछ और रिजल्ट देख सकते हैं लोग। अच्छा ये थोड़ा सा सही है एचपी जो है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है जो हमने एपी में और जीपी में पढ़ा, जैसे समेशन इसमें नहीं पढ़ना है। इसके अलावा थोड़ी थोड़ी चीजें ही पढ़नी है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसका। प्रॉपर्टीज में होगा कि पहला ये अगर एचपी में है तो क्या, मतलब 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी किसमें होगा, एपी में। तो 2 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस, ये रिलेशन आएगा। इसी को थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं तो बी इज इक्वल टू 2 ए प्लस। तो 3 नंबर एचपी में है तो उसका रिलेशन ये होल्ड करेगा। दूसरा हार्मोनिक नहीं, हार्मोनिक मीन है एच एम ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी 2 नंबर का हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2 बाई 1 बाई 1 प्लस 1 बाई बी। हार्मोनिक मीन ऑफ 3 नंबर, तो सिमिलरली हार्मोनिक मीन ऑफ एन नंबर एन डिवाइडेड बाई उसकी, ये हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें भी वो चीज होल्ड करेगा। हाँ जैसे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो एचपी होगा वो इक्वल होगा, उसी टाइप के अगर चीजें हम फॉर्म करते रहेंगे तो सबका हार्मोनिक मीन इक्वल होता है। ये वाली चीज भी होता है। अब नेक्स्ट हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा द 8th एंड 14th टर्म ऑफ का एचपी आर हाफ एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स 20th टर्म ऑल्सो, फाइंड इट्स जनरल टर्म। ये जल्दी से इसको सॉल्व करिए।
वन बाई फोर सही है। जैसे यहाँ पे एचपी का टर्म कैसे लिखेंगे, एचपी दिखेगा कैसा, ऐसे दिखेगा वन बाई ए, वन बाई ए प्लस बी, वन बाई ए प्लस टू डी, वन बाई ए प्लस एन माइनस वन डी, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो एट्थ टर्म क्या होगा, वन बाई ए प्लस सेवन डी इज इक्वल टू वन बाई टू, इन यहाँ से रिलेशन आया ए प्लस सेवन डी इज इक्वल टू टू। एंड वन बाई ए प्लस थर्टीन डी ये आ जाएगा वन बाई थ्री, ठीक है। यहाँ से आ गया ए प्लस 13 डी इज इक्वल टू थ्री। अब इसको घटा देते हैं, ये कैंसिल, ये 6D इज इक्वल टू वन, डी इज इक्वल टू आ गया वन बाई फोर, तो डी 1/6 आ गया। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 7/6 माइनस 12, 5/6, तो ए 20 चाहिए, ए 20 हो जाएगा 5/6 एंड प्लस 19/6, तो 1/4। एंड जनरल टर्म अगर हम लोग लिखें तो 1/5/6 प्लस एन माइनस वन इंटू 5/11, सिंप्लीफाई कर लेंगे फोर दिया था, सॉरी डी 1/6 है ना, गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं तीनों को मिला करके, एपी जीपी एचपी, वो वाले देख लेते हैं। ये तीनों के मिक्सचर में जो क्वेश्चन बनेंगे वो वाला देखते हैं। जैसे पहला, इफ ए बी सी आर इन जी पी, देन सो दैट 1/1 प्लस लॉग 1 प्लस log b 1 प्लस log c आर इन एच पी, क्वेश्चन नंबर वन ये प्रूफ करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ ए बी सी डी आर एन एच पी, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट बी प्लस सी प्लस डी बाई ए, सी प्लस डी प्लस ए बाई बी, डी प्लस ए प्लस बी बाई सी इज ये चीज है। और भी क्वेश्चन इस पे बनते हैं खूब सारे। पहला पहला हुआ किसी से बताइए, पहला क्वेश्चन किसी से हुआ क्या?
हाँ सर हो गया। हाँ बताइए क्या है, लॉजिक क्या है? इसका रिवर्स जो इसका जो इन्वर्स होगा वो तो एपी में होगा, 1/log a, 1/log 1+log b, 1+log c। सो कॉमन डिफरेंस जो होगा log b - log a, इट विल बी इक्वल टू log c - log b। सो यहाँ से हम लोग को रिलेशन मिल जाएगा 2 log b = log a + log b और b² = ac। तो ये तो जीपी में था इसलिए b² = ac होगा। ऐसे मतलब आपने उल्टा प्रूफ कर दिया इधर से इधर। अच्छा हाँ मतलब हाँ उधर से उधर। ठीक है, लेकिन मैं इधर से इधर जा रहा हूँ। हम सर अगर ज्योमेट्रिक मीन ले सकते हैं, राइट? क्या सॉरी वो ले सकते हैं ना, ज्योमेट्रिक मीन बी इक्वल टू रूट ए सी, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन में, इसमें 1/1 + log b में। कर सकते हैं, या फिर ये है ना ऐसा, जैसे कि अगर 3 नंबर सर देती हूँ ना। हाँ बोलिए। सर b² = ac लिख देंगे, फिर उसका लॉग ले लेंगे, बिल्कुल सही। फिर फिर उसमें दोनों में 2 ऐड कर देंगे दोनों साइड में। हाँ 2 ऐड करने की जरूरत क्या क्यों पड़ेगी, ऐसा आ जाएगा ना लॉजिक। अब LHS RHS दोनों में 2 ऐड कर देंगे। अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा? तो 2 × 1 + log b = 1 + log a + 1 + log c। ओके हाँ ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ, समझ गया मैं, सही है। मैं बताता हूँ कैसे इस टाइप का क्वेश्चन करना चाहिए। ये है तो इसका मतलब ये हो गया, लॉग लेने के बाद लॉग लिया दिया गया, इसका मतलब कि लॉग ए कॉमा लॉग बी कॉमा लॉग सी ये एपी में हो गया। अगर ये जीपी में है तो उसका करस्पॉन्डिंग लॉग एपी में आएगा, लॉजिक ये है। फिर अगर सम में 1 ऐड कर देंगे, सम ने एपी के प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि 1 ऐड करने से तब भी कुछ भी ऐड करेंगे सेम सब में एपी में रहेगा, और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे क्योंकि ऐसे भी हम बना सकते हैं इसको। तो इसको सोचिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला बनाना ऐसे ही है कुछ। हुआ क्या, देखिए मैं बनाता हूँ। सर सबके सम से मल्टीप्लाई करके -1 कर देंगे। सबके सम मल्टीप्लाई करना है हमें। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, देखते हैं कुछ भी है ना तो। ऐसा कर दिया, एपी में होगा ठीक है, इसका रेसिप्रोकल एपी में होगा। अब सब में हमने क्या किया कि a+b+c+d सब में मल्टीप्लाई कर दिया।
ये भी एक ही में रहेगा, और सब में माइनस वन कर देंगे, सही बात है, सब में माइनस वन कर देंगे तो भी एपी में रहेगा, तो माइनस वन करने के बाद माइनस वन इसमें कर दिया, 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 तो भी एपी में है, और माइनस वन करने का डेटा हो गया एपी में। तो ये हाँ तीनों मिला करके इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंसर्शन ऑफ हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अब तो ये बहुत ज्यादा फैमिलियर टॉपिक लगने लगा होगा कि ये सब हार्मोनिक मीन्स आर कॉल्ड हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी इफ आर इन एच पी, ठीक है। तो वन बाई ए, वन बाई एच वन, वन बाई एच थ्री, वन बाई एच एन, वन बाई बी ए पी में। यहाँ से क्या जाएगा, वन बाई बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वन बाई ए प्लस एन प्लस वन इंटू डी, क्योंकि एन प्लस टू एथ टर्म ही है, तो डी की वैल्यू आ जाएगा वन बाई बी माइनस वन बाई ए अपॉन एन प्लस। तो सिमिलरली हम लोग सारा कुछ लिख सकते हैं, वन बाई एच वन लिख सकते हैं, ये हो जाएगा वन बाई ए प्लस बी, वन बाई एच टू लिख सकते हैं, ठीक है। देना ए प्लस बी, एपी का कॉमन डिफरेंस थ्योरम। ये आ गया, ये इसका फॉर्मूला आ गया, और ये बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को किए इन एपी जीपी एप ए एम जी एम एच एम, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है एक मिनट सर, नोट इनपुट, डाउन नहीं किया। अच्छा ठीक, सॉरी, वन बाय एच एन होगा राइट? और हाँ हाँ वन बाई एच एन होगा। ओके सर।
ये फिर में हो जाएगा 13/2 इज इक्वल टू 3/2 प्लस 5d, d इक्वल टू 1, तो 1/H1 आ जाएगा 3/2 प्लस 1 दैट इज 5/2, तो H1 आएगा 2/5, ठीक है। वैसे ही कैलकुलेट करेंगे H2 2/7, H3 2/9 एंड H4 2/8। तो ये आ गया। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, इसमें इस टॉपिक से बना के आइएगा। क्वेश्चन है ये चीज है। चलिए इसको बना के ले आइएगा, हम लोग आगे बढ़ते। सॉरी, लिख लीजिए इसको। So, this सॉरी, question, the order is arithmetically incorrect. This question, sir, so the order in which we are going to place the nine arithmetic beads and harmonic beads, first we need to, it needs to start with an arithmetic mean or Actually, I'm not getting your point. Your voice is not clear also. Is it better now, sir? Yeah, a little bit. Yeah, you can tell me now. Yeah, so according to this question, we are supposed to add nine arithmetic means and nine harmonic means. So, should it start with one arithmetic mean or a Yeah, both are different cases, you know. If you will see, like, we have two numbers, 2 and 3. Okay. So, okay, if nine arithmetic means and nine harmonic means are inserted between 2 and 3 alternatively, okay. So, how will you substitute? Let's say you can see.
टू कॉमा अर्थमेटिक मीन्स ए वन ए टू एंड ए नाइन एंड थ्री, दीज आर इन एपी, देन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ नाइन अर्थमेटिक मीन्स एंड देन टू एच वन, ओके एच टू एंड एच एन, दिस वे यू विल गेट थ्री एच पी, देन यू विल गेट नाइन हार्मोनिक मीन। ओके वेट, लेट मी रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। इफ द नाइन अरिथमेटिक मीन्स एंड नाइन हार्मोनिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन टू एंड थ्री अल्टरनेटिवली, ओके या ओके आई थिंक या दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स दैट वी नीड टू फाइंड ऑल दोज थिंग्स एंड व्हाट वी हैव टू प्रूफ दैट ए प्लस सिक्स इज इक्वल टू फाइव, राइट। सो इफ आई एम कंसिडरिंग हेयर द फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, देन वी शुड ऑल्सो कंसिडर द फर्स्ट हार्मोनिक मीन and then we'll see whether this kind of addition is get is equal to 5. We need to prove it will be 5, that one we should prove. Okay. Okay, now relation between AM GM and H, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सीक्वेंस थ्योरी। बहुत बार क्वेश्चन इससे आया है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी थोड़ा बहुत इसके एप्लीकेशन दिखाए थे कि उससे क्वेश्चन आए थे, तो ये वाला टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो इसको ध्यान से करना चाहिए और इस पे इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, एम इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जी एम, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू, ये रिलेशन है। और मेनली हम लोग इसका जो यूज करते हैं टू फाइंड द रेंज ऑफ एन एक्सप्रेशन, इसका हम यूज करते हैं रेंज फाइंड करने में। और इसका है इक्वालिटी होल्ड व्हेन नंबर्स आर इक्वल, मतलब कि अगर एम ऑफ टू नंबर ए कॉमा बी इज इक्वल टू जी एम ऑफ ए बी, इसका मतलब हो गया कि ए इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है। या तीन नंबर होता तब भी, या सेम जी एम इज इक्वल टू एच एम हो गया तो भी नंबर्स इक्वल हो जाएंगे, तो इक्वालिटी होल्ड करने का ये मतलब हुआ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। एम जीम से रिलेटेड जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं, इफ एम बिटवीन टू नंबर्स एक्सीड्स देयर जीएम
by 2 and the GM exceeds their HM by 8/5. Find the numbers. जल्दी से इसको बनाइए. और एक और मैं बस लिख देता हूँ, ए एम क्या होता है टू नंबर का, ए प्लस बी बाई टू एंड जी एम क्या होता है टू नंबर का, रूट ए बी एंड एच एम क्या होता है टू ए बी अपॉन ए प्लस बी. आता है क्वेश्चन में इक्वेशन बना लेना है. इसमें एक रिलेशन और होल्ड करेगा कि अगर हमने ये रिलेशन हमें याद रखना चाहिए, जी स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देंगे तो ए और एच के बराबर होगा. मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये एच. हमें याद रखना चाहिए. सॉल्व करिए जल्दी से इसको, बताइए क्या आना चाहिए. कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी. ये आ गया. जी इक्वल टू 8 आ गया, यानी जी स्क्वायर 64, यानी ए बी 64. दो नंबर अगर ए और बी मान लिया, एक इक्वेशन. और हमारा पहला इक्वेशन था ए माइनस जी, दो दे रखा था तो ए की वैल्यू यानी अर्थमेटिक मीन 10 आ गया, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू 20. इक्वेशन टू सॉल्व करना है, ये जिसका प्रोडक्ट 64 हो सम 20 हो, तो ए इक्वल टू 16 बी इक्वल टू 6. इस तरीके से हम लोग
इसको बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ये जी। एक और है, जैसे और भी हैं इसमें क्वेश्चन, तो हम लोग करेंगे 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक मैं बस उसका झलक दिखा रहा हूँ, जैसे फाइंड द रेंज ऑफ एक्स कैसे बनाना है इस टाइप के क्वेश्चन को, ये हो जाएगा। हमें पता है कि एन इज ग्रेटर इक्वल टू बी एन, एन के लिए इस दो नंबर का एन डिवाइड बाई टू, जी एन एक्स एन टू 1/x टू द पावर 1/2 कैंसिल, यानी एक्स प्लस 1/x इज ग्रेटर ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू टू। तो व्हाट डज इट मीन, ओके। और इक्वल टू कब होता है, जब दोनों इक्वल होगा, यानी कि एक्स इक्वल टू 1 पे वो मिनिमम वैल्यू होगा, दैट इज टू। तो रेंज इसका लिखेंगे हम लोग 2 से लेकर के इनफिनिटी। तो वैसे ही ये वाला क्वेश्चन सोच के आइएगा, और इस पे हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक बार देख लीजिए जो भी आज हमने पढ़ाया, क्या सारा कुछ क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन, कुछ भी पूछना है किसी को, जल्दी से एक बार देख लीजिए किसी को कहीं भी कंफ्यूजन हो। क्लियर है सबको? ओके हाँ सर, सर एक ओके। चीज़ पूछनी थी कि सिलेबस कब तक पूरा होने की है उम्मीद? कोशिश तो रहेगा कि हम लोग जनवरी लास्ट तक कर दें। कैलकुलस हो गया ना, कैलकुलस चल रहा है क्या? नहीं, तो मैं तो 8th लास्ट बैच में आया हूँ ना, अच्छा, तो हाँ उसमें, हाँ होगा, थोड़ा फास्ट चलेगा अच्छा इसमें तो। हाँ इसमें तो कैलकुलस हो गया होगा ना, किसमें से बैच 6 में इस वाले में। वो मुझे नहीं पता सर। चलिए ठीक है। सर एग्जाम का डेट कोई टेंटेटिव आइडिया डेट का? लाइक अभी तो नहीं आया है। 1 महीना पहले तो निकालेंगे ना एटलीस्ट हाँ एप्लीकेशन। बिल्कुल, निकालने के नहीं या फिर देखता हूँ नेट पे, देखिएगा कुछ कुछ उस पर लिखा होगा ना टू बी अनाउंस्ड। हाँ तो अजीब अजीब, मतलब कहीं जगह लिख रहा है कि बहुत लेट होगा, कभी लिख रहा है कि फेब में आएगा, मतलब ऑफिशियली कुछ नहीं आया। फॉर्म भी तो नहीं आया ना। हाँ यानी डिले ही होगा, ऐसा तो होगा नहीं, डिले होगा एग्जाम में। चलिए अच्छे से तैयारी करिए, एग्जाम जब भी। सर ये मॉक टेस्ट कब से देना चालू करें, मतलब अच्छा सिलेबस हाँ हो जाए उसके बाद ही करें ना चालू? हाँ नहीं मतलब ऐसा जैसे कि नहीं, 70% या 60% भी हो जाए तो आप चालू कर सकते हैं ना, क्योंकि उससे थोड़ा सा वो एग्जाम को कैसे हैंडल करेंगे उसका थोड़ा सा आइडिया बनता जाएगा, क्या क्या सब ठीक है ना। चलिए है सर। सर इस वाले क्वेश्चन में एक चीज डाउट थी मेरे को, कितना, एक्स इक्वल टू 1 क्यों नहीं होगा? उस पर भी सेटिस्फाई हो रहा है ना ये? नहीं नहीं एक्स इक्वल टू 1 पे ये मिनिमम बन रहा है, ये मैं बोल ये बोला मैं, एक्स इक्वल टू 1 पे इसकी अच्छा मिनिमम वैल्यू होगी। ओके ओके ओके, डोमेन होगा ना, और ओके फाइन, ठीक है ठीक है, ओके सर। ओके मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।